उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में से एक है, जहां हवाई संपर्क की दिशा में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। राज्य में 9 हवाई अड्डे हैं, इसके अलावा कई नए हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं, जिनमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे पुराना एयरपोर्ट भी यूपी में है? ऐतिहासिक महत्व से लेकर आधुनिक प्रगति तक एक महत्वपूर्ण यात्रा तय कर रहा है यूपी। यहाँ की गलियों से लेकर संगम के किनारों तक हर जगह इतिहास की कहानियां बिखरी पड़ी है। ये शहर न केवल महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों का गवाह है, बल्कि ये भारतीय उड्डयन के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 18 फरवरी 1911 का दिन भारतीय उड्डयन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस दिन हेनरी पिकेट नामक पायलट ने 6500 डाक लेकर पहली बार प्रयागराज से नैनी के लिए उड़ान भरी। ये यात्रा लगभग 6 मील लंबी थी और इसे भारत की पहली हवाई डाक सेवा के रूप में याद किया जाता है। ये उड़ान प्रयागराज की पोलो फील्ड से हुई थी, जिसे अब इलाहाबाद एयरफील्ड के रूप में जाना जा रहा है। प्रयागराज एयरफील्ड का इतिहास बेहद दिलचस्प है। 1932 में यहाँ से पहली बार विदेशी उड़ान शुरू हुई और लंदन के लिए एक फ्लाइट रवाना हुई। इसके बाद 1933 में इंपीरियल एयरवेज ने कराची, जोधपुर, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, कोलकाता रूट पर उड़ान सेवा शुरू की। यहाँ तक कि 1934 में जब दुनिया में पहली हवाई उड़ान प्रतियोगिता हुई, तब प्रयागराज को बगदाद और लंदन के साथ एक अनिवार्य स्टॉपेज के रूप में चुना गया। 1940 से लेकर 2000 तक इस एयरफील्ड से उड़ान सेवाएं बंद रही। इसके बाद साल 2003 में एयर सहारा ने दिल्ली और कोलकाता के बीच हवाई सेवाएं फिर से शुरू की। वर्तमान में प्रयागराज एयरपोर्ट से 12 शहरों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, भोपाल और लखनऊ जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के मद्देनजर बमरौली एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। 2018 में इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण हुआ, जिसमें 164 करोड़ रुपए की लागत आई और इसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों की क्षमता है। आने वाले समय में प्रयागराज को चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, जम्मू, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी से जोड़ने की भी तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय कई हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा और प्रयागराज के अलावा अब प्रदेश में अन्य हवाई अड्डे भी तैयार हो रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की राह पर है और इसके पहले चरण का काम साल 2024 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अयोध्या में भी एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो राम मंदिर के साथ देश और विदेश से श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। बमरौली एयरपोर्ट का 8400 फीट लंबा रनवे और इसका गौरवमयी इतिहास इसे विशेष बनाता है। आज इसे आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित करने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि आने वाले महाकुंभ और अन्य अवसरों पर यहां से दुनिया भर के लोग आसानी से यात्रा कर सके। बमरौली एयरपोर्ट अपने ऐतिहासिक महत्व को सहेजते हुए अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। ये एयरपोर्ट न केवल प्रयागराज को दुनिया से जोड़ेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के हवाई संपर्क का भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर बमरौली एयरपोर्ट राज्य की विकास यात्रा में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। इसके साथ ये उत्तर प्रदेश के भविष्य की उड़ान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रतीक बनता जा रहा है, जिससे प्रदेश की वैश्विक पहचान और भी मजबूत होगी। तो क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक हवाई अड्डे की नई उड़ान देखने के लिए? हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।